बास्केटबॉल ग्राउंड पर बने रूम पर बचतगढ़ द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इस संदर्भ में कांग्रेस के पूर्व पार्षद गुड्डू तिवारी द्वारा आज हनुमान नगर जोन के 3 कार्यालय में निवेदन दिया गया है। पूरा मामला ऐसा है कि चंदन नगर स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड है जहां छात्र बास्केटबॉल का ट्रेनिंग लेते हैं। इसी ग्राउंड पर एक रूम बनी है जहां स्पोर्ट्स से जुड़ी सामग्री रखी जाती है और चेंजिंग रूम के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अचानक दो बचतगट द्वारा इस रूम पर कब्जा किया गया है जो सही नहीं है। इसीलिए न्याय के लिए जोन कार्यालय में आज पूर्व पार्षद गुड्डू तिवारी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। कैसा है, हमारे यहाँ एक बास्केटबॉल ग्राउंड चलता है चंदन नगर में। बास्केटबॉल ग्राउंड नवयुवक क्रीड़ा मंडल पिछले 2009 से 14 सालों से चला रहा है और वहाँ एक छोटा सा चेंजिंग रूम है। उस चेंजिंग रूम हमारे के जो बच्चे लोग आते हैं, बच्चे लोग वहाँ चेंज करते हैं अपना खिलाने मुझे जो सामान है सामान वहाँ स्टॉक करते हैं। रोज रात को रखना, सवेरे निकालना, जब भी खेलना है तब। कल हमारे के जब बच्चे वहाँ खेलने गए तो वहाँ जब ताला खोलने की कोशिश किया चेंजिंग रूम की, तो उस चेंजिंग रूम में चाबी हमारी लग नहीं रही थी। तो और ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ था बचतगढ़ का, एक बोर्ड लगा जानवी बचतगढ़ और जागृति बचतगढ़ के नाम से। सर जब हो गया तो मेरा क्या जो हमारे काटोले सर है जो वहाँ सब बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके साथ के 2-3 लड़के और पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा। मैं 6:30-7 बजे करीबन उस जगह पे पहुँचा तो वहाँ बोर्ड लगा था, हम लोग ने बोर्ड उतारा। उतारने के बाद जब जो मैडम वहाँ एक क्या नाम जवा नहीं वागदे मैडम है जो जानवी बचतगढ़ की सदस्य है, अरे कड़ो मैडम करके सदस्य की अध्यक्ष बता रही थी, उनको जब पूछा गया कि भैया तुमने लगाया कैसा, तो बोले हमको पाटिल साहब ने और कमिश्नर साहब ने राइटिंग में दिया हुआ है कि हाँ एक जगह आज से तुम्हारी हो गई करके। मतलब पेपर दिखाइए, पेपर नहीं दिखाने का सब में आपस में झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, झगड़ा रखली हुई, उसके बाद सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट होने के बाद हम लोग की ऐसी बात हुई कि भैया एक दो चाबी है, दो चाबी में से एक तुम रखो एक हम रखेंगे, जब आपको काम है आप खोलो, जब हमको काम है हम खोलेंगे। वो लोग मानने को तैयार नहीं थे और आंग पे आके कंटिन्यू आंग पे आ रहे थे। आंग पे आने के बाद यानी वहाँ एक निम्बाड़ सोनू निम्बाड़कर करके, अभी हमारी ऐसी मांग है कि जो रूम हमारे पास पोजीशन में है, हमारे बच्चे 2009 से वहाँ काम करते हैं, चेंजिंग करते हैं, हमारा सामान रखते हैं, वो बचतगढ़ को देने का कोई अधिकार नहीं है। कारण वो प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड में कोई भी प्रकार का कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अभी एक्चुअली पाटिल साहब नहीं थे जगह पे, तो हमने रंगारी करके जो असिस्टेंट है उनको दिया है, तो उन्होंने बोला कल आके हम कार्रवाई करते हैं। और ऐसा मेरे यहाँ जो पुरानी कारपोरेटर थी उन्होंने ऐसे बहुत सारे अतिक्रमण करके रखा हुआ, जैसा चंदन नगर का बुद्ध विहार है समाज भवन है, वहाँ पे एक फैमिली को रख दिया 1.5-1.5 साल से। उसके बाद एक समाज भवन और है बास्केटबॉल ग्राउंड के पास, वहाँ जबरदस्ती जिम लगा दी गई है, जिसके उन लोग पैसे भी लेने की चालू है कि भैया 300-400 रुपये महीना लेंगे और जिम चालू कर, जबकि समाज भवन में जिम भी नहीं लगा सकता, किसी को पर्सनल रुकाया नहीं जा सकता। और ये सब होने के बाद मैं आपको एक और कहानी मेरी दर्द की कहानी बताना चाहता हूँ कि जब भी ये इलेक्शन आता है तब इस प्रकार के मेरे ऊपर हमले होना चालू हो जाते हैं। लास्ट टाइम 2016 में भी मुझ पर हमला हुआ था, जिससे मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद मेरे घर तलवार और बंदूक लेके लोग आए और उसके तुरंत बाद इलेक्शन लगे और इलेक्शन में उन्होंने प्रचार किया। अब फिर से इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन आने के पहले इन्होंने फिर से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। इसमें सोनू निम्बाड़कर करके जो व्यक्ति है वो उसको टारगेट बनाया गया कि उसको वो उसको बुला के हम लोग उस पर आक्रमण करे। जब धक्का बक्की उन्होंने भी किया, हम लोग ने भी किया, सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद इनको पुलिस वालों को किसका प्रेशर है, तो हम 5 लोगों पे गुनाह दाखिल किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।